आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 साल के बाद निर्मित हो रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा तथा इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय कई प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी 64 कलाओं से पृथ्वी पर अमृत की बरसात करते हैं और माता महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर आकर देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। जो जागता है उनका घर धन से भर देती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे कोजागर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार स्नान दान व्रत की कोजागरी शरद पूर्णिमा की रात में खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण रात्रि 1:05 से 2:23 तक रहेगा, यानी 28 और 29 अक्टूबर की शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 1:05 से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि 2:23 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1:18 रहेगी तथा इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 पहले यानी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में दोपहर के बाद 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस दिन सूतक लगने से पहले यदि संभव हो तो खीर बना करके आपको रख लेना चाहिए और उसमें कुशा या तुलसी जी के पत्ते डाल करके ठाकुर जी के मंदिर में देव स्थान में ढक करके उसको रख देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्रमा से अमृत नहीं बल्कि विष की बरसात होती है। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की रोशनी में इस दौरान किसी को भी जाना नहीं चाहिए और खाने पीने की वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। यदि आप खाने पीने की वस्तुओं में कुशा या तुलसी का पत्ता रख देंगे तो वह वस्तु प्रदूषित नहीं होगी, दूषित नहीं होगी तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख करके उस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को होने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंच करके चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल हो जाएगा। यह खगोली घटना भी है, ज्योतिषी घटना है, जिसमें चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देगा। खग्रास चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में लगने जा रहा है, इसलिए जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र और जन्म राशि मेष या लग्न में से उनके लिए ग्रहण अशुभ रहेगा। मिथुन कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ रहेगा। इनको आर्थिक फायदा होगा तथा रुका हुआ पैसा भी इनको अचानक मिलने लगेगा। घर परिवार में खुशखबरी का आगमन होगा। यदि शेयर बाजार या लॉटरी में ये लोग कार्य करते हैं तो वहां से भी इनको बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा जो भी काम की शुरुआत की जाएगी उसमें आगे चलकर के इनको फायदा होगा और जब ग्रहण पड़ता है तो उसके 6 बाद तक राशियों को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मिथुन कर्क वृश्चिक एवं कुंभ इन 4 राशि वालों को सबसे अधिक फायदे का संयोग यह चंद्र ग्रहण लेकर आ रहा है। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है तो शरद पूर्णिमा को आपको यदि पूर्णिमा का उत्सव मनाना है, खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है,
तो 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण है, सूतक काल दोपहर से ही आरंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बना करके रखते हैं तो वह ग्रहण से दूषित भी हो सकती है। तो सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखेंगे, यह सवाल भी कई लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि ग्रहण की दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यदि आप ग्रहण के पूर्व या सूतक के पूर्व खीर को बना करके रखना चाहते हैं तो उसमें तुलसी जी का पट्टा और कुशा रख करके ढक करके देव स्थान में भगवान के मंदिर में आपको रख देना चाहिए, और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और दूसरा एक और तरीका है, क्योंकि ग्रहण तो रात में लगेगा लेकिन पूर्णिमा का आरंभ 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 से लग जाएगा, यानी पूर्णिमा तिथि सुबह ही लग जाएगी। तो आप 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में खीर बना ले, फिर जब 28 अक्टूबर को सुबह शरद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाए, यानी 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना चाहिए। उस दिन चंद्रमा का अस्त सुबह 4:45 पर हो जाएगा, और चंद्रमा के अस्त के बाद उस खीर को आप खा लेंगे तो आपको अमृत वाली खीर का ही फल मिलेगा। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी की खीर आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद ही आपको खीर बनाना चाहिए, यानी 28 और 29 की रात में 2:23 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप खीर बना ले, और खीर बना करके उसे खुले आसमान के नीचे रख दे ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े और बाद में उस खीर को खा ले, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होकर के अलौकिक होता है, इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधि गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है जिससे वह खीर औषधि गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं, इसलिए इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है और कुंडली में चंद्र दोष है तो वह भी निवारण हो जाता है, यानी आपकी कुंडली में कोई चंद्रमा का दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। वैसे तो साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना करके कोजागर की पूजा की जाती है, यह पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। इस बार 28 अक्टूबर को दिन में 4:05 पर सूतक लग जाएगा, इसलिए यदि आप अपने घर में पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो आपको सूतक लगने के पहले पहले 28 अक्टूबर को दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा एवं पूजा कर लेनी चाहिए और कोजागर की पूजा भी कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो एक दिन पहले यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में भी कोजागर पूजा कर सकते हैं या महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।